बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीज शाह। दोस्तों ये चेंज ओवर पैनल है, इसमें तीन वापडा और एक जनरेटर सिंगल फेज का चेंज ओवर बना हुआ है और एक थ्री फेज और एक थ्री फेज जनरेटर का अलहदा से चेंज ओवर बना हुआ है। एक नंबर पे वापडा नंबर एक, दूसरे नंबर पे वापडा नंबर दो, थोड़ा टाइम लगा, और तीसरे नंबर पे वापडा नंबर तीन, और ये जनरेटर के लिए है क्योंकि अभी हमारे जनरेटर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लाइट को ही चलाते हैं। तो इनका फॉल्ट ये आ रहा है कि वापडा नंबर एक जो है वो सप्लाई ऑन नहीं हो रही, और मैं आपको पैनल को खोल कर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वापडा नंबर एक है, इसका ब्रेकर, और ये दो नंबर है, और अभी भी हम इस वक्त जो चला रहे हैं वो देखें, यहाँ सेलेक्टर से तीन नंबर है, तीन नंबर सप्लाई हम ऑन कर रहे हैं अभी। ये देखिए, ये एक नंबर का टाइमर है, ये दो नंबर का टाइमर है, ये सप्लाई तीन नंबर। इस वक्त तीन नंबर सप्लाई का ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन है और पहले दो बंद है, क्योंकि ये चेंज ओवर के ज़रिए सप्लाई ऑफ हुई हुई है। देख लें, तीन नंबर का सब जो टाइमर है वो चल रहा है। अगर हम इसको दो पर लगाते हैं तो ये देखिए, दो की रिले भी चल गई ऊपर से, और दो का टाइमर भी इंडिकेशन दे रहा, और ये दो नंबर चल रहा। और अब हम अगर एक पर करते हैं तो एक की जो सब जो वो है रिले, वो तो वर्क कर रही है लेकिन टाइमर नहीं ऑन हो रहा, और यही इसमें फॉल्ट आ रहा है। हो सकता है कि इसका टाइमर ख़राब हो, मैं अभी चेक करके फॉल्ट देख कर फिर आपको दिखाता हूँ। अभी हम इसकी सप्लाई दो नंबर वाली ऑन कर देते हैं। और ये जो थ्री फेज सप्लाई है, ये एक जनरेटर है और ये एक थ्री फेज सप्लाई मीटर की है जो बाहर से वापटा की है। इसको लगाने का मकसद है कि इनके जो एसी हैं वो अलहदा ही थ्री फेज सप्लाई के ऊपर हैं। ये जो चार सप्लाइयों का सिंगल फेज का चेंज ओवर बना हुआ है, एक दो तीन और ये जनरेटर, इनके ऊपर सिर्फ इनका जो सिंगल फेज का जो लोड है सिर्फ वही चलता है, इसके ऊपर एसी वगैरह नहीं है। एक वापडा वन के लिए ये वाला ब्रेकर, वापडा टू के लिए ये वाला ब्रेकर, और वापडा थ्री के लिए ये वाला ब्रेकर, और ये जो जनरेटर है इसके लिए ये सिंगल पोल टू पोल का ये वाला ब्रेकर। ये सारे ही ब्रेकर 6363 एम्पेयर के हैगर कंपनी के हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अभी जो फॉल्ट आ रहा है मैं आपको पहले ट्रेस करता हूँ, फिर मैं आपको अगले वीडियो में आपको साथ ही दिखाता हूँ कि फॉल्ट क्या आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि देखना सारी सप्लाइयाँ आ रही हैं, ये देखें वोल्ट मीटर के ऊपर 260 वोल्ट हैं, जो वापडा नंबर एक है वो सप्लाई आ रही है, और वापडा दो की भी आ रही है, और वापडा नंबर तीन ये सप्लाई भी आ रही है, लेकिन जनरेटर क्योंकि अभी हमने चलाया नहीं है, हमारी लाइट है इसलिए जनरेटर की सप्लाई नहीं आएगी। सप्लाई पीछे से आ रही है लेकिन जो टाइमर हमने चेंज जो टाइमर है वो आगे से सप्लाई ऑन नहीं करवा रहा। अभी हमने टाइमर चेंज किया है और हम इसको चला कर देखते हैं कि अब सप्लाई ऑन होती है कि नहीं। ये अभी दो पर है और हम इसको एक पर करते हैं, वो देखिए टाइमर भी ऑन हो गया है, इसका मतलब है हमारा टाइमर ही खराब है। अब हम इसको एक एक करके तमाम सप्लाइयों को देखते हैं कि सारा वर्क सही कर रहा है कि नहीं। अभी आप देख सकते हैं कि एक नंबर चल रही है और यहाँ सिलेक्टर से भी एक नंबर पर ही सेलेक्ट है। अभी हम दो पर करते हैं तो दो पर हो गया, और इसी तरह हम तीन पर करेंगे, ये तीन पर भी चला गया। हम वापस दो पर आते हैं, सिलेक्टर के बाद दोबारा दो नंबर सप्लाई ऊपर से लाइट ऑन हो गई। जी व्यूअर्स, ये जो ब्रेकर है ये दो, ये थ्री फेज सप्लाई के लिए हैं, बाकी सिंगल फेज हैं। इनका जो चेंज ओवर इनकी जो आउटपुट है वह यहाँ से होकर सीधा यहाँ पर आ रही है, ये सिर्फ एसीओ के लिए है, और ये सिंगल फेज है, ये ऊपर से इन एक
दो तीन और चार, ये इनकी आउटपुट है। अभी हमारी एक नंबर सप्लाई नहीं थी चल रही, और जैसा कि हमने टाइमर चेंज किया और चल पड़ी। टाइम अप होने के बाद ये देखें सप्लाई ऑन हो गई और हमारा फॉल्ट क्लियर हो गया, ट्रबल शूट कर लिया हमने पैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को चलें सब्सक्राइब।